जिनका नहीं हुआ है। चलो पहले फॉर्म पे आ जा, ब्लॉक के फॉर्म पर आ जाओ सब। देखो यहां पे एक्सेल में क्या देना होगा, एक्सेल में देना होगा ब्लॉक इंसर्ट, सब लोग ब्लॉक फोल्डर के अंदर डिस्प्ले डॉट ईजीएस पे आ जाओ। इतना तो काम किया होगा सबने। यहां पे एक्शन में लिखो ब्लॉक इंसर्ट मेथड पोस्ट, कर लिए ये रिप्लाई दो, क्या आगे बढ़ू मैं। एक्शन दे दिया निपुर, चलो अब नीचे आ जाओ। इसके क्या नीचे आओ, इनपुट में फील्ड दो, टाइटल में नेम में टाइटल दो सब लोग। टाइटल के इनपुट में हाँ टी आई दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हें दे रखा है वो जाने दो, तुम्हें क्लियर होना चाहिए। इनपुट में जो आपको देना हो नेम में टाइटल टी, जो आपको ठीक लगे वो आप दे दो। ऐसे डिस्क्रिप्शन में दो नेम, दिख रहा होगा सबको, ऐसे डिस्क्रिप्शन नेम देना होगा, और कैटेगरी में देना होगा नेम, ऊपर सबसे पहले ऊपर देना सिलेक्ट में नेम में कैटेगरी दे दो, सबसे पहले ऊपर सिलेक्ट में कैटेगरी में नेम, नेम लिखा है उसमें कैटेगरी दे देना। सारे लोग देख पा रहे हो ना, कैटेगरी वाले में सिलेक्ट में नेम में कैटेगरी, फिर टाइटल के इनपुट में दे दो, और फिर टेक्स्ट एरिया में दे दो, नेम में डिस्क्रिप्शन, दे दी फील्ड है। सबने फील्ड दे दी। चलो अभी इमेज का तो अपन कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी इमेज का बाद में करेंगे, पहले ये वाला इंसर्ट हो जाए, है ना। इतना कर लिया, अब सबने कर लिया। देखो ये टास्क हमने आपको दिया था करने के लिए, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ फटाफट जल्दी से। अब इसके बाद अपन कहाँ चलेंगे, वेब पे आएंगे, वेब वाली फाइल पे आ जाओ। कहाँ है ब्लॉक वाला, हाँ सबको दिख रहा होगा जी, ब्लॉक इंसर्ट राउट लाइन नंबर 22 पे देख सकते हो सब लोग। फॉन्ट बड़ा कर देना, अब दिख रहा है लाइन नंबर 22 पे लिखा है राउट डॉट पोस्ट, राउट पोस्ट नाम का ही बनेगा ये तो पता है सबको। फिर स्लैश ब्लॉक इंसर्ट, फिर ब्लॉक कंट्रोलर, ब्लॉक इंसर्ट, राउट सब बना लें। सेम प्रोसेस है जो अपन ने कैटेगरी में की है। हो गया राउट बन गया सबका, बताएं सब लोग। चलो अब मेथड पे आ जाओ, अब मेथड ना लो, ये मेथड दिखा दो उनको, पहले पूरा नहीं बनाना है, ये कोड बंद कर देना 22, 23, 24, 25 पूरा जी, हाँ जी 28 तक बंद कर दो, 28 तक। हाँ पहले क्या होगा, कंसोल में चेक करना होगा, पहले अपन कंसोल में चेक करेंगे डेटा आउट क्या आ रहा कि नहीं आ रहा। सब मेथड लिखो, इसका नहीं लिखा है मेथड का,
बन गया सबका मेथड। चलो अब फॉर्म भर के चेक करो पहले कि डेटा कंसोल में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब सब लोग फॉर्म भर के चेक करो डेटा कंसोल में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अरे सबका सब बताएं सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब किसी ने कहा था ना मेरा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इंसर्ट ही हो रहा। निपुर इसका यहां तक चल रहा है आप लोगों का? देखो ये ठीक है, न्यू ब्लॉक मॉडल, ब्लॉक मॉडल ऊपर डिफाइन कर दिया था पहले से ही। ऊपर चलो डिफाइन कर दिया था और नीचे आ जाओ। अब इसमें वो तो लो एक कॉलम तो छोड़ दिया तुमने कैटेगरी का, टाइटल के ऊपर लो लाइन नंबर 22 के नीचे से लिखो यहाँ पे सी नेम क्या लिया, मॉडल में क्या लिया था, ब्लॉक के जाकर चेक करना, ब्लॉक के मॉडल में जाकर चेक करो क्या लिया था। हाँ इसको चालू करो सीनेम को। हाँ हाँ ठीक है, अब वो कंसोल बंद कर दो लाइन नंबर 21 वाला। नीचे आओ ठीक है, इमेज का तो हटा दो, इमेज का भी बाद में होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है सी नेम टाइटल डिस्क्रिप्शन ठीक है। अब देखो आरई की बॉडी सबको पता है, आरई की बॉडी में डेटा कौन सा आउट क्या आता है, जो हमने इनपुट के अंदर नेम में डिफाइन किया होता है, ये सब जानते हो ना इतना आप। आरई की बॉडी में डेटा कॉन्सेप्ट क्या आता है जो नेम में डिफाइन किया होता है ना, ये तो पता है ना सबको। चलो बाकी पूरा सब नोट कर लो सही लिखा है ना, फॉर्म भर के चेक करो डेटा गया कि नहीं गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है। हो गया
जाके चेक करो मंगड़ी में डेटा गया कि नहीं गया, मंगड़ी में चेक। ब्लॉक कंट्रोलर पे लाइन नंबर 7 लिखा है ना, अब ब्लॉक मॉडल फाइंड दिख रहा है सबको डेटा। अब डेटा को पास करो, मान डेटा पे लिखो ब्लॉक, लिखो ब्लॉक डेटा लिखा है ना उसको ब्लॉक लिख दो, ब्लॉक कॉन्स्ट ब्लॉक, हाँ ब्लॉक्स कर दो ब्लॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पास करो लाइन नंबर 12 में, कैटेगरी के बाद वाई के बाद कॉमा लगाओ, हाँ बी कोलन ब्लॉक्स, बी कोलन ब्लॉक्स कर दो, डेटा ऐसे तो पास होता है, ठीक है। और हटाओ जैसे 9 वाला कोड, 11 वाला कोड हटा दो, 9 वाला हटा दो, 9 वाला बस अकेला हटा दो बस, ठीक है। बाकी लोग लिख रहे हैं डिस्प्ले वाला, इस तरीके से तो करेंगे अपन, कैटेगरी में ऐसे तो किया था, फिर यहां से पास किया लाइन नंबर 11 पे, सबका बन गया है मेरा ब्लॉक के, वहां फॉरिच लगाना पड़ेगा डिस्प्ले डॉट ईजीएस पे आके ऊपर चलो टेबल में, टेबल में हाँ कुछ लगा रखा है यहाँ पे, वी कर लो ठीक है। आइटम सी नेम, सी नेम में अंडरस्कोर क्यों लगा दिए, सब में अंडरस्कोर क्यों लगाए जाते हैं, सबसे हटाओ जी, हाँ जी हटाओ सब, इमेज हटाओ, इमेज अभी क्यों ले रही है, टाइटल लेना होगा ना, इमेज हटाओ, सी नेम के नीचे लो टाइटल, सी नेम के नीचे लो टाइटल, पूरा कॉपी कर लो, आइटम डॉट टाइटल कर लो, टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर दो, टाइटल ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाना मुझे फील्ड ऊपर, टीएच वाली आईडी हो गया, अच्छा पहले आईडी के नीचे सी नेम दो, पहले ऊपर आईडी के नीचे सी नेम, कैटेगरी लिख दो, कैटेगरी आईडी के नीचे ले लो, कॉलम बढ़ा लो, टीएच को कर लो कैटेगरी, एक काम करो यहाँ पे बस वो व्यू भी दिखा देना व्यू, चलो हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं है, इमेज हटा दो, इमेज इमेज हटा दो, इमेज अभी क्या होता है जब डिस्प्ले कराते हैं ना दो या तीन फील्ड ही दिखाते हैं अपन, बाकी व्यू पे कर देते हैं, अब यहाँ पे तीन ही फील्ड है चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब बहुत सारी फील्ड होंगी ना तो टेबल में तीन या चार फील्ड दिखाओ, बाकी व्यू वाले बटन में दिखा दिया करो चीज़ें, ठीक है। सेव करो, अब पहले चेक करो डेटा उठ के आया कि नहीं आया, पेज लोग भी नोट करें, हाँ देखो आ गया, टाइटल क्यों नहीं आया इसमें, टाइटल वहाँ पे जाके चेक करो स्पेल टाइटल, नया ऐड करना, वहाँ पे जाके चेक करो टी आई टी स्पेस और टी आई टी एल स्पेल से लिखी टाइटल, ये टी आई टी एल, अब चेक करो ठीक आ गया, इनको भी दिखा दो इतना, आप लोग भी कर लेने वाला काम, डिस्प्ले वाला काम, ब्लॉक व्यू स्लैश स्लैश भाई आईडी दे दो लेस इन परसेंट आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी परसेंट बंद कर दो, ऐसे इसमें लगा लो नीचे वाले में स्लैश व्यू एडिट स्लैश व्यू एडिट, ऐसे नीचे वाले में लगा लो स्लैश व्यू डिलीट, अब ये काम खुद से कर लोगे सब लोग, पूजा इसिका निपोर सारे लोग जो काम खुद से कर लोगे पूरा, दीपक साहू जैसे कैटेगरी वाला काम हुआ वैसे सेम काम होगा, इसिका अग्रवाल पूजा मिश्रा ऋतिका ऋतिक
रोहित रोहित हो जाएगा तुम्हारा तो काम। सब लोग चलो। किसका नेम? हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, आंग उड़ा देना। ठीक है, करो करो ये काम, है ना। मंडे को हम कौन सा काम करेंगे अब? सब लोग इमेज इंसर्ट वाला, मंडे वाली क्लास में छोड़ देना, ठीक है। फिर ये ब्लॉग हम लोग फ्रंट पे शो कराएंगे, ठीक है। सब लोग कर लाना 2 दिन।